अध्याय 12 मसीह के द्वारा उद्धार। मसीही का विश्वास संसार के सब धर्मों से इस रूप में अलग है कि सभी धर्म और धार्मिक शिक्षक मनुष्यों को उन नियमों या उपदेशों की शिक्षा देते हैं जिनका पालन उन्हें इस संसार में या आने वाले संसार में प्रसन्न रहने के लिए करना ही चाहिए, और वे मनुष्यों से आग्रह करते हैं कि इन शिक्षाओं पर चलने के लिए स्वयं को अनुशासित करें। जहां तक मसीहियों का प्रश्न है, वे यह विश्वास करते हैं कि सब लोगों को यह अच्छी तरह मालूम है कि उन्हें किन शिक्षाओं का पालन करना चाहिए, इसलिए उन्हें और शिक्षाओं की जरूरत नहीं है। परंतु वास्तव में वे इतने बुरे हैं कि ना तो वे परमेश्वर के नियमों का पालन कर सकते हैं और न ही करना चाहते हैं। मनुष्य जाति की घोर चरित्रहीनता तथा आशाहीन पापमय दशा के कारण स्वयं परमेश्वर ने यीशु को भेजा कि वो मनुष्यों के बदले उनका विकल्प बनकर उनका पाप दूर करे। इस कार्य को यीशु ने क्रूस पर पूरा किया। वहां पर जब उसे ठुकरा कर उसका मजाक उड़ाया जा रहा था, वह मनुष्यों के पाप का साकार मानवीय रूप बन गया और मनुष्य जाति के विरुद्ध परमेश्वर के प्रकोप और न्याय का लक्ष्य बन गया। इसलिए अब पाप की, सारे पापों की समस्या दूर हो गई। परमेश्वर अधर्मी मनुष्यों को धर्मी के रूप में ग्रहण करता है। परमेश्वर हमसे बस यही चाहता है कि हम विश्वास करें और इसके लिए आनंदित हों। सिर्फ इतना ही नहीं, परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है कि जो कोई यीशु पर विश्वास करता है और परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखता है कि यीशु की मृत्यु के द्वारा उसके पापों की क्षमा हुई, परमेश्वर उसे अपना आत्मा प्रदान करेगा। इसका अर्थ यह है कि उसका आत्मा उनमें निवास करने आएगा जो उस पर विश्वास करते हैं, और वे नए मनुष्य, नई सृष्टि बन जाते हैं। उसके राज्य में नए दिल के साथ जन्म लेते हैं और उनकी शक्ति और इच्छा दोनों धर्मी हो जाती है। यही सुसमाचार या शुभ संदेश आगामी अध्याय का विषय है, जिसमें यीशु के शिष्य पौलुस के लेखों के कुछ अंश लिए गए हैं। सुसमाचार की सामर्थ्य। मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसलिए कि वो हर एक विश्वास करने वाले के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ्य है, क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है। जैसा लिखा है, विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है, क्योंकि लिखा है, मैं ज्ञानवानों के ज्ञान को नाश करूंगा और समझदारों की समझ को तुच्छ कर दूंगा। कहां रहा ज्ञानवान, कहां रहा शास्त्री, कहां रहा इस संसार का विवादी? क्या परमेश्वर ने संसार के ज्ञान को मूर्खता नहीं ठहराया? क्योंकि जब परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार संसार ने ज्ञान से परमेश्वर को न जाना, तो परमेश्वर को यह अच्छा लगा कि इस प्रचार की मूर्खता के द्वारा विश्वास करने वालों को उद्धार दे। कुछ लोग तो चिन्ह चाहते हैं और कुछ ज्ञान की खोज में रहते हैं, परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं जो यहूदियों के लिए ठोकर का कारण और अन्य जातियों के लिए मूर्खता है। परंतु जो बुलाए हुए हैं, क्या यहूदी क्या यूनानी, उनके निकट मसीह परमेश्वर की सामर्थ्य और परमेश्वर का ज्ञान है, क्योंकि परमेश्वर की मूर्खता मनुष्यों के ज्ञान से अधिक ज्ञानवान है और परमेश्वर की निर्बलता मनुष्यों के बल से बहुत बलवान है। पाप का स्रोत। जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं, उनकी सब बुराई और अधार्मिकता पर परमेश्वर का क्रोध स्वर्ग से प्रकट होता है, इसलिए कि परमेश्वर के बारे में जो ज्ञान होना चाहिए वह उनके मनों में प्रकट है, और यह परमेश्वर ही ने उन पर प्रकट किया है।
परमेश्वर के अदृश्य गुण अर्थात उसकी शाश्वत सामर्थ्य और परमेश्वरत्व जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा स्पष्ट देखने में आते हैं। इसलिए अब लोगों के पास बचने का कोई बहाना नहीं है, इसलिए कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद न किया, परंतु व्यर्थ ही तर्क वितर्क किया, यहां तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधकार से भर गया। वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य, पक्षियों, चौपायों और रेंगने वाले जंतुओं की मूरत में बदल डाला। इसलिए परमेश्वर ने उन्हें उनके मन की बुरी अभिलाषाओं में अशुद्धता के लिए छोड़ दिया कि वे आपस में अपने शरीरों का अनादर करें, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर अपने लिए झूठ बना डाला और सृष्टि की उपासना और सेवा की, न कि उसके सृष्टिकर्ता की जो सदा धन्य है। आमीन। मनुष्य जाति का पाप। इसलिए परमेश्वर ने उन्हें नीच कामनाओं के वश में छोड़ दिया, यहां तक कि उनकी स्त्रियों ने भी स्वाभाविक व्यवहार के बदले उसे अपना लिया जो स्वभाव के विरुद्ध है। वैसे ही पुरुष भी स्त्रियों के साथ स्वाभाविक व्यवहार छोड़कर आपस में कामातुर होकर जलने लगे, और पुरुषों ने पुरुषों के साथ निर्लज्ज काम करके अपने भ्रम का ठीक फल पाया। जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा, तो परमेश्वर ने भी उन्हें उनकी भ्रष्ट मानसिकता पर छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करें। इसलिए वे सब प्रकार के अधर्म, व्यभिचार, दुष्टता, लालच और बुराई से भर गए, और ईर्ष्या, हत्या, झगड़े, धोखाधड़ी और गंदी आदतों से भरपूर हो गए, और चुगलखोर, बदनाम करने वाले, परमेश्वर से घृणा करने वाले, ढिठाई करने वाले, घमंड करने वाले, शेखी मारने वाले, बुरी बुरी बातों के गढ़ने वाले, माता पिता की आज्ञा ना मानने वाले, विवेक रहित, विश्वासघाती, प्रेम रहित, क्षमा ना करने वाले और निर्दयी हो गए। हालांकि ऐसे लोग परमेश्वर का ये निर्णय बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि ऐसे ऐसे बुरे काम करने वाले मृत्यु दंड के योग्य हैं, तो भी न केवल खुद ही ऐसे बुरे काम करते हैं बल्कि ऐसा करने वालों का समर्थन भी करते हैं। परमेश्वर की चेतावनी। हे दोष लगाने वाले, तू चाहे कोई भी हो, तेरे पास कोई बहाना नहीं है, क्योंकि जिस बात में तू दूसरे पर दोष लगाता है उसी बात में अपने आप को भी दोषी ठहराता है। इसलिए कि तू जो दोष लगाता है तू खुद भी वही काम करता है। हम जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वालों का न्याय परमेश्वर की ओर से सच्चाई के अनुसार होता है। हे मनुष्य, तू जो ऐसे ऐसे काम करने वालों पर दोष लगाता है और खुद भी वैसे ही काम करता है, तो क्या तू यह समझता है कि तू परमेश्वर के दंड की आज्ञा से बच जाएगा? क्या तू उसकी अपार दया, सहनशीलता और धैर्य को तुच्छ जानता है? क्या तू ये नहीं समझता कि परमेश्वर की कृपा तुझे पश्चाताप का अवसर देती है? परंतु तू अपनी कठोरता और हठीले मन के कारण उसके क्रोध के दिन के लिए, जिसमें परमेश्वर का सच्चा न्याय प्रकट होगा, अपने लिए क्रोध कमा रहा है। वह हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला देगा। जो धीरज के साथ अच्छे कर्म करते हुए महिमा, आदर और अमरता की खोज में हैं, उन्हें वह अनंत जीवन देगा। लेकिन जो स्वार्थी हैं और सत्य को नहीं मानते बल्कि अधर्म को मानते हैं, उन पर परमेश्वर का क्रोध और कोप आ पड़ेगा, और क्लेश और संकट हर एक मनुष्य के प्राण पर जो बुरा करता है आएगा। परंतु हर एक जो भला करता है वो महिमा और आदर और शांति पाएगा।
क्योंकि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। कोई धर्मी नहीं, जैसा लिखा है, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर को खोजने वाला नहीं। सब भटक गए हैं, सब के सब निकम्मे बन गए हैं। कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं। उनका गला खुली हुई कब्र है, उन्होंने अपनी जीभों से छल किया है, उनके होठों में सांपों का विष है, उनका मुंह श्राप और कड़वाहट से भरा है, उनके पांव लहू बहाने को फुर्तीले हैं, उनके मार्गों में नाश और क्लेश है, उन्होंने कुशल का मार्ग नहीं जाना, उनकी आंखों के सामने परमेश्वर का भय नहीं। परंतु परमेश्वर की धार्मिकता बिना व्यवस्था के प्रकट हुई है, अर्थात परमेश्वर की वह धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए है, क्योंकि कुछ भेदभाव नहीं है। इसलिए कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से दूर हैं, परंतु उसके अनुग्रह से, उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, बिना किसी दाम के धर्मी ठहराए जाते हैं। विश्वास से धर्मी ठहरना। यीशु को परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है, कि जो पाप पहले किए गए और जिन्हें परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण अनदेखा किया, उनके लिए वो अपनी धार्मिकता प्रकट करे। अर्थात हम जो उस पर विश्वास करते हैं जिसने हमारे प्रभु यीशु को मरे हुओं में से जिलाया, तो हमारा यह विश्वास धार्मिकता गिना जाएगा। वो हमारे अपराधों के लिए मारा गया और हमें धर्मी बनाने के लिए जिलाया भी गया। इसलिए अब हम विश्वास से धर्मी हो गए हैं और हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ हमारा मेल हो गया है, जिसके द्वारा विश्वास से उस अनुग्रह तक हमारी पहुंच भी हो गई जिसमें हम बने हुए हैं, और अब हम परमेश्वर की महिमा की आशा में आनंदित होते हैं। परमेश्वर का अनुग्रह। क्योंकि जब हम निर्बल ही थे, तो मसीह उचित समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे, यह तो वैसे ही दुर्लभ है, परंतु हो सकता है कि किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का भी साहस करे। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस तरह से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे, उस समय मसीह हमारे लिए मरा। इसलिए जबकि हम उसके लहू के द्वारा धर्मी ठहरे, तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों ना बचेंगे? क्योंकि बैरी होने की दशा में उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ, तो फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों ना पाएंगे? केवल यही नहीं, परंतु हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जिसके द्वारा हमारा मेल हुआ है, परमेश्वर में आनंदित होते हैं। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। बुरी अभिलाषाओं से सावधान। इसलिए अब जो मसीह यीशु में है, उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं बल्कि आत्मा के अनुसार चलते हैं। आत्मा की व्यवस्था ने, जो मसीह यीशु में जीवन देती है, मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। जो काम व्यवस्था शरीर के कारण सीमित होकर ना कर सकी, उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पापमय शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी, इसलिए कि व्यवस्था की विधि हम में पूरी की जाए, जो शरीर के अनुसार नहीं
बल्कि आत्मा के अनुसार चलते हैं, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शारीरिक बातों पर मन लगाते हैं और जो आत्मिक होते हैं वे आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ऐसा मन ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है। जो शारीरिक दशा में हैं, वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है, तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वो मसीह का नहीं। यदि मसीह तुम में है तो शरीर पाप के कारण मरा हुआ है, परंतु आत्मा धार्मिकता के कारण जीवित है। यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया वह तुम्हारे नश्वर शरीरों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से शरीर की इच्छाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के द्वारा चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। क्योंकि हमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो जाएं, परंतु हमें उसके पुत्र हो जाने की आत्मा मिली है, जिससे हम हे पिता कहकर पुकारते हैं। पवित्र आत्मा खुद ही हमारी आत्मा के साथ इस बात की पुष्टि करता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं, और यदि संतान हैं तो वारिस भी, बल्कि परमेश्वर के वारिस और मसीह के साथ वारिस हैं, कि जब हम उसके साथ दुख उठाएं तो उसके साथ महिमा भी पाएं। हमारी आशा। मैं समझता हूं कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। इस आशा के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है, परंतु जिस वस्तु की आशा की जाती है जब वो देखने में आए तो फिर आशा कहाँ रही? क्योंकि जिस वस्तु को कोई देख रहा है उसकी आशा क्या करेगा? परंतु जिस वस्तु को हम नहीं देखते यदि उसकी आशा रखते हैं तो धीरज से उसकी बाट जोहते भी हैं। इसी तरह आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु पवित्र आत्मा खुद ही ऐसी आहें भरकर जिन्हें शब्दों में नहीं बताया जा सकता हमारे लिए विनती करता है। और मनों को जांचने वाला परमेश्वर जानता है कि पवित्र आत्मा का अभिप्राय क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। विश्वासियों की महिमा। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि यीशु बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया उन्हें बुलाया भी है, और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया है, और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी है। जयवंत से भी बढ़कर। इसलिए हम इन बातों के बारे में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? जिसने अपने पुत्र को भी बचा के ना रखा परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, तो वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों ना देगा? परमेश्वर के चुने हुओं पर दोष कौन लगाएगा?
जबकि परमेश्वर खुद ही उनको धर्मी ठहराता है। फिर कौन है जो उनको दंड की आज्ञा देगा? मसीह ही है जो मर गया, बल्कि मुर्दों में से जी भी उठा और परमेश्वर की दाहिनी ओर है और हमारे लिए निवेदन भी करता है। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या नंगाई या जोखिम या तलवार? जैसा लिखा है, तेरे लिए हम सारे दिन मृत्यु का सामना करते हैं, हम कट जाने वाली भेड़ों के समान समझे जाते हैं। परंतु इन सब बातों में जिसने हमसे प्रेम किया है, उसके द्वारा हम विजेता से भी बढ़कर हैं, क्योंकि मुझे पूरा निश्चय है कि न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न कोई शक्ति, न ऊंचाई, न गहराई और न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से, जो हमारे प्रभु मसीह यीशु में है, अलग कर सकेगी।